रमजान चल रहे हैं, नो पार्टी। वेलकम बैक टू द चैनल दानिश के व्लॉग्स। उम्मीद होगी सभी अच्छे होंगे। जैसा कि भाई महीना चल रहा है रमजान का, सभी को पता है, और आज है 20 मार्च। 20 मार्च जिसको नहीं पता तो बता देते हैं, आज है आपके भाई का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और काफ़ी लोगों के भाई कमेंट आ रहे थे कि मतलब इंस्टा पे वीडियो आ रहे थे कि भाई बर्थडे व्लॉग बनाना, तो हमने कहा चलिए भाई आप लोगों की बात को पूरी करते हैं। तो अभी हम लोग व्लॉग बना रहे हैं आरिफ भाई के घर से। आरिफ भाई को उठाने आए थे हम लोग, तो पहले तो चलते हैं फटाफट शहरी वगैरह करते हैं, क्योंकि शहरी में आधा घंटा बचा हुआ है। पहले शहरी वगैरह करते हैं और दिखाते हैं ऐसा क्या खाते हैं दानिश भाई शहरी में। चलिए अभी हम लोगों की चल रही है शहरी, और आपको दिखाते हैं शहरी में हम लोग क्या खाते हैं। सिर्फ अपना तो शेड्यूल है चाय और 2 ब्रेड, और ये मिली हमारे नागराज से। जो चाय नहीं पीते, देखो शहरी में भी दूध पीते हमारे आरिफ भाई। चलो यार जल्दी जल्दी ब्रश करो, बाकी टाइम अभी 15 मिनट है, ज़्यादा टाइम ही लगेगा चाय ब्रेड में। फिर शहरी करते हो फिर बात करेंगे। शहरी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि बताया था भाई शहरी में कम खाओ, क्योंकि ये शहरी है, बाप का वलीमा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो ठूस ठूस के खाओ फिर डका रहे हैं, तो इसलिए कम खाओ, क्योंकि रोजे का एहसास भी तो होना चाहिए, भूख प्यास का। जब तक भूख प्यास का एहसास नहीं होगा तो लगेगा कैसे कि रोजा है। तो शहरी वगैरह हम लोगों की हो चुकी है, बाकी आरिफ भाई के साथ हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो नमाज वगैरह फजर की पढ़ाए हैं, बाकी पीछे रोशनी भी हो चुकी है, और चश्मा वगैरह ये सब इसलिए लगाए हैं, ये मत समझना बर्थडे तो फ्लैक्स मारा, फ्लैक्स ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम लोग रात को आए थे मगरिब के टाइम, तो रात में तो पता ही होगा रास्ते में कितने कीड़े वगैरह उड़ते हैं, तो इसलिए लगा के आए थे, क्योंकि हम लोग निकले थे मगरिब की नमाज़ पढ़ के, टाइम हो रहा था यहाँ ऐसा का, तो हमने फगा चश्मा लगा लेंगे तो गाड़ी ड्राइव कर लेंगे फास्ट फास्ट। और यहाँ आकर पता चला तो देखो एक सीन हो गया, घर चलना हम लोग यहाँ से, बट सीन ये हो गया गाड़ी में समझ नहीं आ रहा हवा निकली या पंक्चर है, इसी के चक्कर में हम लोगों को टाइम लग रहा है। एवेंजर से आए थे, क्योंकि हम अप्पू आए थे आरिफ भाई को यहाँ से लेने आए थे, तो ट्रिपलिंग होगी। हमने कहा R1 पे तो ट्रिपलिंग हो नहीं पाएगी, जुपिटर से इतना फास्ट आ नहीं पाते, लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है, हवा निकली है पंचर जो भी है। बाकी चश्मा बताना कैसा लग रहा, छपरी अपनी टाइप से नहीं लग रहा। अभी हम चले जा रहे हैं पैदल, आरिफ भाई ने तो हमको धोखा दे दिया, अकेले गाड़ी लेकर देखते हैं क्या हुआ। पंचर की दुकान खुली है नहीं खुली, कब खुल गई? लगाओ फोन, लगाओ अपना व्यवहार दिखाओ, लो फोन लगाओ रहा, ये लिखा हुआ पंचर वालों का नंबर, फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। तो यार भाई का हमारे व्यवहार बहुत रहती है हमें। तो गाइस बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही होगी आप लोगों को ब्लॉग में एवेंजर, एंड ये देखो अरे भाई का व्यवहार, भाई को फ़ोन किया आ गए। वाह यार अरे भाई आपका जलवा तो है। अब बाकी चेक करेंगे पंचर है या हवा, मुझे तो डाउट है इसकी हवा निकल गई है, क्योंकि तरावी पढ़ने गए थे ना रात को ईदगाह वाली जो यहाँ पर मस्जिद है, वहाँ में लगता हवा निकल गई, देखते हैं क्या होता है। ये मिल चुका है पंचर, देखो आवाज भी आ रही होगी, सुनो। अब बनेगा इसका पंचर, कहाँ पंचर करवा दी यार गाड़ी है, रास्ता खराब है। चलो कोई नहीं, कुछ कील ही लगी, कील नहीं है पत्ती टाइप की है। देखो भाई लाइव देखो आप, तो ये निकली, ओ माय गॉड, पहचान लो किसकी पत्ती है भाई ये। चलो हो गया काम, ये सिस्टम था। ब्रेक पे लात रखो, ब्रेक पे लात रख दी, ऊपर की चीटी आ गई, चावल बन गए भाई, चावल नहीं बिरयानी बनेगी आज तो बर्थडे वाली। हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय, बर्थडे बिरयानी की सीटी निकल गई, मुर्गा पक गया। और एक चीज और भाई, इतनी ऐसी बेल बॉटम वाली पैंट में कोई ईसा की नमाज और तरावी पढ़ के दिखा दे मान जाएंगे, इतनी मजबूरी में पड़ी हमने यार, हम ही जानते हैं कितनी टाइट है। देखो पंचर वगैरह का सीन डन हो चुका है, बाकी अब चश्मा लगाने पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी चलाएंगे ना तो कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, और नींद वगैरह तो अब आ रही है तगड़ी वाली, तो फटाफट चलते हैं अपने घर। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, और भाई बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, तो अब सोते हैं और सीधा अब आपसे मिलेंगे जब आँख खुलेगी, बाय बाय। तो गाइस टाइम हो चुका है शाम का, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ाएं, टाइम भी देख रहा होगा 5:15 हो रहे हैं।
अब ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जोहर में उठे नमाज वगैरह पढ़ने गए, उसके बाद काम करते रहे तो असर में फिर हमने कहा नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो टाइम काफ़ी है अफ्तार में, तो हमने कहा जब तक हम कुरान पढ़ लेते हैं। तो गाइस मिली हमारे आरब भाई मास्टर सर जो कि आज सैंडविच बना रहे हैं। अभी चल रही है उनकी स्टफिंग, फिर ये मशीन में मुंबई से लाए थे, फिर इसमें रेडी करेंगे। तो अभी दो सैंडविच लगा दिए मशीन में और बटर वगैरह सब ऊपर लगा दिए। अब मशीन को करते हैं बंद और दो तीन मिनट का करते हैं वेट, देखते हैं कैसे बने हैं सैंडविच। ओ माय गॉड, ऐसे ही है भाई लड़कों का, उसे इग्नोर मारो। नमाज वगैरह पढ़ाए, बाकी एनर्जी डाउन डाउन सी हो रही है, तो हमने कहा क्यों ना एनर्जी ड्रिंक पी लिया जाए जिससे एनर्जी बरकरार आ जाए। तो ये रहा एनर्जी ड्रिंक, वो नहीं अपनी एनर्जी है सिर्फ चाय। तो चाय पी ली जाए, फुल एनर्जी आ जाएगी। चाय पी लीजिए गाइस। तो बस यही है, चाय वगैरह पी के थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर ऐसा की नमाज वगैरह पढ़ने जाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अपन सैयर गेट कुछ खाने पीने। तो अब जब ही मिलेंगे जब नमाज वगैरह हिसाब से फ्री हो जाएंगे। तो गाइस खाना पीना हम लोगों का हो चुका है, बेहतरीन गोश्त माले बिरयानी जरदा, बट मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि पानी की कमी की वजह से ना ये हॉट हैं, कट चुके हैं शायद ब्लड वगैरह भी दिख रहा हो। और बाकी अभी सब जा रहे हैं, बिरू भाई भी आए थे, हमको बताई देना। तो खाना पीना सब बिरू भाई को भी खिला दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं सैयर गेट, वहाँ कोई ठंडा वंडा पियेंगे जो भी होगा। आओ आओ, बाकी काफिला आ रहा है अपना गाड़ियों का, ये आ चुकी है टीम अपाचे, टीम अपाचे, टीम अपाचे। चलिए पहुंचो, और यहाँ आ रही है एक टीम एवेंजर, इस पे साहिल मामू और अप्पू, और वो आ रही है आर1, और उस पे रहेंगे दानिश भाई और बीरू, बाकी अपनी ये सारी गाड़ी खड़ी। चलें बैठो, चलो आज बैठ के चलेंगे। बैठेंगे कैसे यार, पैंट तो इतनी टाइट है भाई। हम लोग आ चुके हैं सैया गेट पर, मोहब्बत से शरबत पीना, देखो सभी लोग पी रहे हैं, आपस में मोहब्बत बांट रहे हैं, सबका शरबत खत्म हो गया, बस हमारा अकेला बचा है। क्योंकि तरबूज वगैरह पसंद नहीं है ना, तुम तरबूज का क्या करते, देखना पियेंगे तरबूज आएगा तो फूक देते, पसंद नहीं है। और बीरू भाई और कुछ बता दो, कुछ हो मन में है, कुछ मन में? मन में तो बहुत सी चीजें हैं, बताना अच्छी बताना, रमजान चल रहा है। या मोहब्बत का शरबत वगैरह पीकर हम लोग आ चुके हैं अभी अमूल दूध लेने, और सुबह सहरी के लिए ब्रेड वगैरह, क्योंकि सहरी कैसे होगी सिर्फ दो ब्रेड और चाय यही है अपना सहरी का। तो अमूल दूध अभी ले रहे हैं, चल के पेमेंट वगैरह करते हैं। वीरू भाई हमारे जा चुके हैं क्योंकि ये घर तक यहीं आए थे, तो उनको रवानी कर दिया है और हम लोग चलते हैं घर। ये मत सोचना एम्ब्रोस यहाँ पार्टी वार्टी करने आए थे, सिर्फ हम लोग आए थे दूध लेने सहरी के लिए, क्योंकि भाई रमजान चल रहे हैं, नो पार्टी। पहुँच चुके हैं घर, बाकी गाड़ी की सर्विस कराई तो चमक रही होगी, और इसको तो हम ढाँक के रखते हैं, ढाँकने के बाद ही भाई पता नहीं क्या है सीन। ये देखो भाई, पता नहीं ऐसे लोगों को तो जलने वाले लोग ही कहेंगे। देखो वन एक्स पे देखो, ये स्क्रैच अलग दिख रहा है किसी चीज़ के मारे हुए, यहाँ देखो यहाँ, चलो ये तो खैर पेंट सा निकल रहा, और इस तरफ भी थे शायद कहीं, यहाँ पे भी था, मतलब लोगों को पता नहीं भाई क्या ही है। ठीक है कोई नहीं, इसको कवर अप करते हैं, अंदर चलते हैं। आ चुके हैं अगर, बाकी कपड़े वगैरह कर लिए हैं चेंज, और काफ़ी अच्छे अच्छे फेसेस आए आप लोगों के इंस्टाग्राम फेसबुक, तो सभी का
बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे लवली विशेष के लिए। और बस भाई यही था, क्योंकि भाई रमज़ान में ज़्यादा ब्लॉग हो नहीं पाता, और एक तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बीच में मम्मी का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, तो बहुत सी चीज़ें हैं इसलिए भाई टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी अपन ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे ईद के बाद, देखते हैं एक आध ब्लॉग अगर बीच में आएगा तो क्या सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन मिली जाएगी, और कर देते हैं इस ब्लॉग को तो यहीं पर एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही है मैं।